के पनौड़ी भाई ऐड करो 2 मिनट के लिए, आ जा भाई, 2 मिनट मतलब 2 मिनट, ठीक है। आ जा भाई, ऐड कर लिया तुझे। साले अब ऐड किया है तो तू आ नहीं रहा है। भाई कैसे हो? भाई बस बैठ, और क्या बात करनी थी बताओ। को बस एक चीज बोलनी थी कि मैं आज से 1 साल पहले एक लाइव देख रहा था आपकी, तो थोड़ा उस पे हाँ बहुत गलत फेस चल रहा था। तो आपने एक लाइव में एक लाइन बोली थी कि मेरी शक्ल कैसी भी हो, मैं गुटखा खाता हूँ, दारू पीता हूँ, जो भी करता हूँ, लेकिन जब भगवान किस्मत बांट रहा था तो मैं सबसे पहली लाइन पे था। आप उस टाइम BMW चलाते थे, अभी भी बीमारी याद है है मेरे आपको? पास। हाँ, BMW चला रहे थे ना उस टाइम पे आप, याद होगा आपको। हाँ तो वो लाइन बहुत स्ट्राइक करी, एक तरह से मोटिवेशन की तरह मेरे को। हो गया या समझ हो गया क्या हुआ? भाई आप, आपके थोड़ा अटक रहा है आपका। मैं अभी मैं ड्राइव कर रहा हूं ना। हाँ बताओ तो उस लाइन से क्या हुआ? जिंदगी चेंज हो गई तुम्हारी? मोटिवेशन मिल गया भाई, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा फेज आया, तो अभी अच्छा चल रहा है फेज। उस मतलब वो लाइन बहुत अच्छी स्ट्राइक करी मुझे। तो वो मेरी लाइन तुम्हें पसंद आई? बहुत कैडी लाइन है भाई, और मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा उस लाइन को। क्योंकि देखो, मैं भी एक एक होता है ना कि साला ऐसा है वैसा है ये है, बट मेरे अंदर भी वो चीज है कि आज के टाइम पे किस्मत, मेहनत और ये सारी चीजें, पैसा वैसा हाथ में रहे तो सब बढ़िया है जिंदगी में, चाहे कोई कुछ भी बोले। राइट। तो यही बात आपको कहनी थी, मैंने इसलिए आपको बोला मैंने 2 मिनट के लिए। भाई कैसे, पैसा एक ऐसी चीज है, तुम्हारा टाइम जो तुम चाहते हो ना वो टाइम को तुम ला सकते हो। पैसा हम बोलते हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अगर देखा जाए तो हर एक खुशी के पीछे पैसा ही होता है। करेक्ट बात है भाई, और आप विश्वास नहीं करोगे भाई, आपकी वो लाइन सुनी और भी लोगों ने मोटिवेट किया, तो आज उसके बाद मैंने फिर एक स्कोडा ऑक्टाविया खरीद लिया अपने लिए 6 महीने के बाद। ओह तो ऑक्टाविया, हाँ भाई, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है, 30 लाख की है कुछ, पर मैंने खरीद ली अपनी मेहनत के उससे खरीद ली। वाह जबरदस्त भाई। भाई देखो मेरा नॉलेज ऐसा होता है, मेरा नॉलेज बहुत ही फिलोसॉफी वाला होता है। जिन लोगों को समझ में आता है उनका बेड़ा पार हो जाता है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो लोग नीचे गाली देते रहते हैं जिंदगी भर। अच्छी चीज है भाई, उठाना आदमी के हाथ में होता है कि आप क्या सीख ले पा रहे हो, क्या सीख ले पा रहे हो वो आपके हाथ में है। मैंने आपकी उस लाइन से सीख ली और सही बात है। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। जगह तुम मर्सिडीज बेंज लाओ, उससे भी ऊपर की कोई कार लाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक भैया ऑडी है, लूंगा ना, तो आपको आपको दोबारा एक बार लाइव में बोलूंगा जरूर, जिस दिन ऑडी लूंगा। मैं नेक्स्ट प्लान ऑडी का ही है। हाँ, भाई लाओ तुम ऑडी लाओ और ऑडी में तुम्हारी लॉडी को किसी की चूत में घुसा दो। ऑडी के बॉनेट पे किसी लड़की को चोदो भाई, उसके मजे अलग होते हैं।
भाई मैं एक बार पकड़ा गया था, मुझे मतलब मैंने एक सुना था, मुझे ऐसा करना था। सैन वॉन जानते हो? सैन वॉन ऑस्ट्रेलियन बॉलर था जिसको हम मैजिशियन बोलते थे। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विचार बस भाई, वो बंदा इतना मतलब शौकीन बंदा था कि एक बार एक टेस्ट क्रिकेट के बाद रात को एक लड़की को वो अपनी कार के बोनेट के ऊपर चोद रहा था, सैन वॉन। तो हाँ जी, हाँ जी, उसको भाई हाँ खुलेआम चोद रहा था मतलब। तो भाई वहां पे उसको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। तो सेम सीन मुझे भी करना था, मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं किया था, बट मेरी एक डुमकी ऐसी वीस थी कि किसी लड़की को मैं मेरी कार के बॉनेट पे चोदू, राइट। हाँ तो भाई सही है उसके भाई। भी अलग मजे हैं। तो भाई आप भी मतलब क्या आई होप के तुम ऐसा भाई, देखो ये हमर है, देखो भाई ये हमर जा रही है, देख लो भाई हमर, देखो साहब भाई ये है हमर। मेरे को ये जिप्सी एसयूवी में ज्यादा शौक नहीं है, सेडान सबसे बेस्ट लगती है। हाँ अभी तो ये मॉडल बंद हो गया है, अभी तो ये मॉडल मतलब बन नहीं रहा है, जी, हाँ जी, बट हाँ। तो चलो चलो भाई, भाई आई होप कि तुम ऑडी में आप किसी लड़की को अपने बॉनेट पे चोदो, भाई तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे, जरूर भाई ठीक है? बताऊंगा ओके चलो भाई। ठीक है भाई। भाई, थैंक्स थैंक्स। सोचो भाई, बैंचो इसे बोलते कि मेहनत करके तेरे भाई ने बैंचो स्कोडा कार ले ली, और ये नल्लो को देखो बैंचो। तो भाई और की अच्छा ये कौन है, वंडरलैंड, वंडरलैंड आ जा, वंडरलैंड ये माधवचोद ऐसे ऐसे फेक आइडिया बना के आते हैं ना कुत्ते लोग। भाई वंडरलैंड आ जा, वंडरलैंड, वंडरलैंड ने तो डिक्लाइन कर दिया, नेट प्रॉब्लम रहेगा भाई अभी कुछ मिनट तक। ये बेंच, अरे माधव छोड़ो कोई ऐड तो हो जाओ। चलो भाई ये एमडी वसीम, एमडी वसीम आ जाओ भाई, ये है महेश देसाई, महेश देसाई तुम भी लाइव दे चढ़ो। ये है तनुजा भट्ट, तनुजा भट्ट लाइव दे चढ़ो। बैन के लोड़ों ने डिक्लाइन कर दिया एक दो लोगों ने, तो ये कहा गया भाग गया अभी भाई। ये है दिनवा शेख, दिनवा शेख आ जा भाई, दिनवा शेख आ जा भाई लाइव पे आ जा। मुकेश पंचाल, मुकेश पंचाल लाइव पे चढ़ो, दिनवाज शेख आ गया भाई, दिलवाज शेख। हेलो हेलो, भाई शेख तेरी गांठ फट गई क्या? ओ दो कौड़ी के शेख, भाग गया ये तो। चलो भाई ये कौन है, जान तेरे नाम,
फटाफट रोस्टिंग लाइव चलाएंगे, 5 शॉट देंगे, अनेबल टू ज्वाइन। ये कौन है? आ गया भाई, जानते रहे ना। रुक जा, अबे रुक जा। हेलो, हेलो। और भाई कहाँ से हो तुम? मैं पटेल। अरे पटेल कह रहा है। अरे कहाँ से हो भाई तुम, कहाँ से हो? अरे पटेल क्या? अरे पटेल कह रहा है। कौन है बगल में? अरे भाई मैं ठीक हूँ, कहाँ से हो तुम? अरे हम मोड़ासा के कस्बे में खड़े हैं, कस्बे में मोड़ासा, मोड़ासा गुजरात। अच्छा गुजरात से हो? मोड़ासा, मोड़ासा। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई तुम अभी कस्बे में बैठे हो सब दोस्त के साथ? नहीं नैनीताल, नैनीताल। अच्छा नैनीताल से? अरे बोलो पटेल कैसे हो? अरे भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे उधर से आवाज क्यों इतनी आ रही है साले? तू अभी किसी सब्जी मंडी में क्या? रुक जा रुक जा रुक जा, अभी दिखाता हूँ पूरी पूरा बाजार दिखाता हूँ, रुक जा। ये कस्बे बोलते हैं मोड़ा साहब के। पनौड़ी नहीं पहचान है क्या? अच्छा। और भाई तो क्या, और भाई क्या मेरे जैसे लोग इधर घूमते हैं? मैं नैनीताल में नहीं हूँ, मैं अभी अंडोबार निकोबार जहाँ काला पानी है। ये तो दोनों का नेटवर्क इतना घटिया है, इसकी पानी छूट, इसकी पता नहीं क्या बोल रहे हैं दोनों के दोनों। उसके उधर से आवाज आ रही है, वो नैनीताल वाला बेचारा बोल रहा है, आवाज सुन में नहीं आ रही है। वहां के लोड़ो अगर घर पे बैठे हो ना, तब भी रिक्वेस्ट भेजो। चलो भाई, आई एम कुलदीप, कुलदीप शेरावत आ जाओ भाई। कुलदीप, कुलदीप शेरावत, ये क्या हुआ? ओ बहन जो भाई, आई एम कुलदीप शेरावत आ जाओ। आई एम कुलदीप शेरावत, आई एम कुलदीप शेरावत आ जाओ। आई एम कुलदीप शेरावत आ जाओ भाई। आ गया भाई पनौड़ी भाई। हेलो। और भाई कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। और तू कहाँ से है भाई? गुजरात से मेरे बड़े भाई। अच्छा अच्छा, और क्या करता है भाई गुजरात में? अभी तो मैं फिलहाल कुछ नहीं करता भैया। अच्छा कुछ नहीं करता है? नहीं, नहीं भैया। अच्छा अच्छा, गुजरात में कहाँ से है तू? मैं यहाँ अपना ये द्वारका देखा है आपने? अच्छा, मतलब कि ये द्वारका से है तू? जी जी भैया। अच्छा अच्छा, तो मतलब कुछ नहीं करता तू? नहीं भैया कुछ नहीं करता। तो तेरी रोजी रोटी कैसे चलती है? मतलब कि हर रोज द्वारका मंदिर में चले जाता है सुबह शाम खाने के लिए? जी भैया जी, ऐसा ही होता है। मतलब कि तू गरीब है, मतलब कतई भिखारी है तू? जी भैया। अच्छा अच्छा भाई, सामने आ जा, तेरी कुछ हेल्प करने का मेरा दिल कर रहा है, सामने आ जा। नहीं भाई नहीं नहीं, बस आप बात करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है भैया। भाई देख, अगर तू सामने आएगा तो बात चलेगी, अगर तुझे सामना नहीं आना है तो तू जा सकता है। अरे एक मिनट वेट करो, मैं आता हूँ, दो मिनट। हाँ भाई आ जा भाई, ये देखो अपना गरीब भाई है, ये दो टाइम मंदिर में खाता है, ये हराम का खाना जिसको बोलते हैं, राइट? हर रोज पहुंच जाता है भाई ये अपनी थाली और कटोरा लेके वहां पे खाने के लिए, ठीक है भाई? देखो इसकी जिंदगी देखो भाई, देखो इसकी जिंदगी देखो, है कोई टेंशन ना कमाने का टेंशन, सिर्फ कुत्तों की तरह खाना इसको चाहिए दो टाइम, वो तो उसको मंदिर में से मिल जाता है।
ओ कुत्ते सामने भाग गया कुत्ता, मादर जाट भाग गया। चलो भाई चलो, इसने लिखा है ऐड कर छिनाल के, आ जा भाई आ जा भाई। आजा भाई, इसने लिखा था ऐड कर छिनाल के, आ जा भाई आ जा। आ गया ये तो। हेलो हेलो भाई, सामने भाई तुझे सामने आना है या नहीं आना है? तेरी बहन की चोत रंडी का, तेरी बहन का भोसड़ा, तेरी माँ की चोत रंडी के। बस इतना ही बोलने आया था? आगे कुछ बोलना है या तुझे मैं लात मार के भगाऊं यहाँ से? चल बहन के लड़े बेकारी, तेरी बहन की चोट। और कुछ गांड दिखा अपने, तेरी बहन की चोट रंडी के। वही देख, गाली बदल बदल के दे, सेम गाली मत दे, मजा नहीं आ रहा। गाली की भी वैरायटी है तेरे पास तो मैं तुझे बिठाऊंगा, वरना मैं तुझे लात मार दूंगा। सेम गाली मत दे, अब दे गाली। दे तेरी माँ की चूत रंडी का आवाज जाऊ कर रंडी का भिखारी। फिर से भोसड़ी के तू वही बोल रहा है रंडी का भिखारी, ये तो तू ऑलरेडी बोल चुका है। मैं झाटू चल निकलना बहन के लोड़े रंडी के, तेरी कोई औकात नहीं है रंडी के। फिर से रंडी सुन तरह सुन तरह बहन के लोड़े सुन तरह सुन तरह बहन के लोड़े सुन सुन क्या सुन तेरी मम्मी की चोट सुन। तूने सेम गाली दो बार रिपीट की ना तो सब लोग नीचे लिखेंगे तेरी माँ रंडी। अब तू बोल, तेरी बहन का भोसड़ा, तेरी माँ की चोट रंडी के, तेरे बाप को चोदा है, बाप को चोदा ये ना गांड मरे तेरी गांड में लड़े। ओ चल तेरी गांड की चोट में लड़ा, तेरी माँ की चोट रंडी के बच्चा बच्चा गुरु जी। नहीं ये तो पुराना हो गया सब, मजा नहीं आया। पुराना तेरा बाप है क्या? पुराना बहन के लोड़े, बाप बोल मुझे तेरी बहन की चोत। ये भी पुराना है, इसमें मजा नहीं आया। तेरी लंड चूसेगा, लंड चूसेगा, लौड़ा चूसेगा। दिखा क्या दिखा क्या दिखा? अरे तूने बोला कि लोड़ा चूसेगा तो मैंने बोला दिखा, अब दिखाएगा तो चूसूंगा ना। तो पहले हाथ बोल, पहले हाथ बोल, दिखा रहा हूँ हाथ बोलो। अरे दिखा पहले, फिर मैं सोचूंगा। दिखा दिखाओ। हाँ दिखा, एक मिनट कमेंट ऑफ कर दे, एक मिनट कमेंट ऑफ कर दे। चूसेगा लो, कमेंट ऑफ कर दे। पहले कमेंट ऑफ तेरी बहन की चोत ऑफ कर दू, तेरी बहन का भोसड़ा। फिर से सेम गाली दे रहा है क्या? देख तू ऐसे गद्दारी मत कर, सेम गाली मत दे। बाप बोल तेरी बहन की चोत, तेरा बापू मैं बहन के लोड़े। ये भी सेम बोला तूने यार, सेम बोला तेरी मम्मी की चोत सेम बोलू, तेरी बहन की चोत रंडी के सेम बोलू। भाई अब तूने सेम रिपीट गाली दी ना, सेम गाली तेरी माँ की चोत, तेरी बहन का बोल रहा वजह करू ची ची भिखारी। मजदूर बहन के लोड़े, मजदूर रंडी के, लेबर लेबर रंडी के, सेम सेम क्या तेरी मम्मी की चोत की सेम सेम निकाल दो। चलो भाई नीचे सब लोग निकल, बोल रहे कि इसको लात मारो क्योंकि अब तू बोर कर रहा है इसलिए। हाँ तेरी तूने कुछ मजेदार बातें की होती तो लोगों को भी मजा आता। तू सिर्फ गाली देते रहा है, गाली सुन, नीचे जितने भी लोग बैठे हैं ना सबको गाली आती है, समझा? तू सेम गाली दे रहा है, गाली में भी अगर तू वैरायटी लेके आता ना तो लोगों को मजा आता। तेरी मम्मी की चोट की वैरायटी, तेरी बहन की चोट की वैरायटी। अब नेक्स्ट टाइम भोसड़ी की अच्छी गाली, नई नई गाली। चल तेरी माँ को। सेम गाली देता है यार, उसमें क्या मजा? व्यूअर्स भी बेंचो बोर हो रहे थे, क्या मजा उसमें? भाई ये कौन है? आ जाओ भाई,
लवे शायरी आ जाओ भाई, लवे शायरी आ जाओ। हेलो, हेलो, और भैया कहाँ से हो? राम राम प्रणाली भैया। मैं राम राम भाई, और सामने आ जाओ भाई, कहाँ से हो तुम? भैया अरे बिहारी हूँ भैया, भैया, बिहारी। अच्छा बिहार से, कौन सा जिला? बिहार जहां से आप हो। अच्छा, मतलब कि तुम ये दरभंगा से हो? या अच्छा भैया पनौड़ी भैया, मैं ये बोल रहा था, ये जो अभी गाली गलौज कर रहा था थोड़ी देर पहले, उसको ऐड हाँ, करो। गाली देनी है ये तुम्हें? जो हाँ गाली देनी है, इसकी माँ चोट देंगे पनौड़ी भैया, ये गाली कैसे दिया आपको। अब उसका आईडी तो मैं भूल गया या क्या था? उसकी माँ का भोसड़ा, इसीलिए मैं आपको कब से बोल रहा था मेरे को जरूर करो भैया। मतलब कि तुम वैरायटी वाली गाली दोगे? उसकी माँ बहन चोद दूंगा। एक मिनट पे, उसका आईडी नीचे मेंशन करो, उस बड़वे को ऐड करता हूं मैं। आईडी चिपक गई है, उसकी चिपक गई है भाई। उस पर अच्छा, एक मिनट, ये कुत्ता साला लाइव पे होगा या नहीं होगा? एक मिनट मैं सर्च करता हूँ। अच्छा सुनिए ना पनोनी भैया, हाँ कोई गाली गलौज करे ना तो मेरे को हाँ ऐड कर दीजिएगा बस। चलो ठीक है, ओके भैया। मैं बाबा और आपका भक्त हूं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लाइव देखता हूं आपकी। अभी मैं मोबाइल उठा के रखा हूं, हाँ, आपकी लाइव देखने के लिए ही फोन उठाया था, और अगर लाइव नहीं आएगा तो यूट्यूब में जाके देखूंगा। और 3 से 4 घंटे मेरा डेली का है, रात में मैं देखता हूँ, आप लोग की वीडियो देखता ही हूँ। राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच भाई। चलो ठीक है, अगर कोई गाड़ी देगा तो मैं तुम्हें पक्का याद करूंगा। जरूर जरूर, थैंक यू पनोनी भैया ऐड करने के लिए। ओके चलो जी, बाय। बाय बाय पनोनी भैया। चलो भाई, ये कौन है? मिस्टर राइडर, मिस्टर राइडर आ जाओ भाई। मिस्टर राइडर लाइव चढ़ो। बिग फैन ब्रदर, बिग फैन। अच्छा भाई, कहाँ से हो? अच्छा, आनंद, आनंद सिटी गुजरात। आनंद से हो तुम? आनंद सिटी गुजरात, कैसे हो आप? बस मैं ठीक। आनंद में कहाँ रहते हो तुम? आनंद में ही, प्रॉपर आनंद सिटी में ही। सिटी अरे लेकिन आनंद तो बहुत बड़ा है, आनंद में कहाँ पे रहते बाड़ी, हो? खेती बाड़ी देखा है अपना? हाँ, एग्रीकल्चर खेती। यूनिवर्सिटी, हाँ, पता है मुझे वो। हाँ वहाँ पे। तो क्या करते हो भाई वहाँ पे? अच्छा अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है, कॉलेज चल रही है। कॉलेज, मतलब वहाँ हॉस्टल में रहते हो या फिर नहीं वहीं, नहीं मतलब के हम वहाँ। यहाँ के लोकल ही है, हम यहाँ के लोकल ही है। अच्छा लोकल ही है तो। हाँ जी, क्या बाकी हालचाल? भाई मैं ठीक हूँ, मतलब स्टूडेंट है तू? हाँ स्टूडेंट हूँ, क्यों लगता नहीं है क्या? और बाकी घर पे सब कैसे?